दोस्तों हरियाणा में हर साल देखा जाए तो हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं जो कि हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं। आप यूपी से हैं, आप बिहार से हैं, कहीं से भी आप ऐसी जगह से हैं जो कि काफ़ी दूर है हरियाणा से। अब आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है और एडमिशन तो लिया आपने, पर आप यहाँ पे क्लास लगाने नहीं आओगे, आप क्लासेस लगाने के लिए यहाँ पे नहीं आओगे, रेगुलर आप कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हो। एडमिशन लेने के बाद क्या क्या समस्याएं आपके साथ में हो सकती है, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि एडमिशन जब आप लेते हो तब तक सब कुछ ठीक है, कॉलेज ने बोला क्लासेस मत लगाना ठीक है, कॉलेज ने बोला फीस इतने देना वो भी ठीक है, कॉलेज ने बोला स्टडी मटेरियल हम देंगे आपको, ये सब चीजें आगे जाकर बदल जाती है। कई बार कॉलेज वाले आपको परेशान करते हैं, हर साल हमारे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप आते हैं कि ये कॉलेज वाला हमें इस तरह से परेशान कर रहा है। हालांकि हमने पहले भी हरियाणा से जो आप बीएड करते हैं उसमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए बहुत सारी वीडियोस बनाई है, और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि एडमिशन लेने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या है वो पांच बातें, ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो से। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों बीएड में आपने एडमिशन लिया है हरियाणा से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने एडमिशन लिया हो, हरियाणा में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, या फिर आपने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से भी एडमिशन लिया हो जो यूपी में है, या कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ से आप नॉन अटेंडिंग कर रहे हैं, तो आपके साथ जो समस्याएं होती हैं उन्हीं पांच समस्याओं के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहली समस्या जो अक्सर देखी गई है, दोस्तों आपने अगर एडमिशन लिया है किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू, कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी एजेंट है, कोई भी इंस्टीट्यूट वाला है, उसके थ्रू आपने एडमिशन लिया है, तो मेरी ये आपको एक एडवाइस है कि आपको उसकी सिर्फ उसे कंसल्टेंसी देनी चाहिए। वो कंसल्टेंसी कितनी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, वो डिपेंड करता है कि आपकी कंसल्टेंट से क्या बात हुई। तो जो उसकी कंसल्टेंसी है सिर्फ आप उसको उसकी कंसल्टेंसी दें, और बाकी पूरी की पूरी जो फीस है वो कॉलेज के अकाउंट में ही आप डालें, वरना आपके साथ समस्या हो सकती है। क्योंकि जब एडमिट कार्ड का नंबर आता है फर्स्ट ईयर में, जब एडमिट कार्ड बनते हैं तो वहाँ कॉलेज के पास उसकी फीस नहीं पहुँचती, आपका एडमिट कार्ड आपको नहीं मिलता और आपको परेशानियाँ होती है, और आपको एडमिट कार्ड लेने के लिए कई बार आपको फीस दोबारा भी देनी पड़ जाती है क्योंकि वहाँ तक फीस पहुँचती नहीं। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें, वरना आपके साथ समस्या होगी। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी समस्या के बारे में जो होती है, ये ज्यादातर रिलेट करती है कंसल्टेंट्स को। कंसल्टेंट्स क्या, जितने भी कंसल्टेंट या फिर कोई भी जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, जब वो किसी भी कॉलेज से एडमिशन कराने की बात करते हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल फीस है वो कितनी है, 96,000, 97,000, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जितनी भी फीस में आपकी बात हुई है, अगर आपकी बात हुई है कॉलेज से 80,000 में कि 2 साल की हम 80,000 फीस देंगे, तो आप कॉलेज से कोई भी एक एग्रीमेंट करें, कोई भी ऐसा पेपर पे अपनी शर्तें लिख लें आपस में जो शर्तें तय हुई है, वरना तो यही कॉलेज वाले एंड में फीस को बढ़ा देंगे और पूरी फीस आपसे लेंगे। हमने ये भी देखा है कि इवन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया 85,000 में शुरू में ले लिया, और बाद में जब 2 साल खत्म होने वाले थे तो कॉलेज वाले ने बोला कि भाई फीस पूरी देनी पड़ेगी आपको, 96,000, 97,000। तो आपका जो भी रेट तय हुआ है, जो भी फीस तय हुई है, उसका या तो आप मेल ले लें, या व्हाट्सएप पर उनसे कोई मैसेज ले लें, या कोई एग्रीमेंट कर लें, या कोई भी लिखत पढ़त कर जरूर लें, वरना आपके साथ में समस्या फ्यूचर में हो सकती है। कॉलेज वाले अक्सर फीस बढ़ा देते हैं और समस्या आपके साथ होती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम तीसरी समस्या के बारे में जो अक्सर देखते हैं। दोस्तों आपने एडमिशन लिया किसी भी कॉलेज में, कॉलेज ने बोला नॉन अटेंडिंग होगा, आप मान लीजिए बिहार से हैं, उड़ीसा से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, तो आप यहाँ बार बार तो आ नहीं सकते। अब कॉलेज वाले बीच में एक कंपलसरी 15 दिन की या 20 दिन की क्लासेस डालते हैं कि 15 दिन की 20 दिन की क्लासेस देनी जरूरी है, आपको आना पड़ेगा। ये कई बार वो टीचिंग प्रैक्टिस के नाम पर भी आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि भाई 30 डेज की कंपलसरी टीचिंग प्रैक्टिस है, अब आपको आना पड़ेगा कॉलेज में। तो
अब आप दूर से हैं, आप बार बार आ नहीं सकते, नहीं आ सकते कॉलेज, इसी एवज में आपसे पैसे की डिमांड करता है, आपको पैसा देना पड़ता है, तो फीस से भी ज्यादा 20-25-30 हजार रुपए आपको देने पड़ जाते हैं। खास करके जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट होते हैं कॉलेज के साथ, उनके साथ समस्या होती है, कंसल्टेंट्स के साथ नहीं होती, कि कंसल्टेंट के थ्रू जो एडमिशन्स होते हैं, कंसल्टेंट पहले से ही सारी बातों को अच्छी तरह से खोल लेते हैं, उसके बाद ही एडमिशन्स देते हैं इन कॉलेजेस को। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं चौथी बात, जो चौथी समस्या आपके साथ होती है। जैसे ही आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, पहली समस्या तो आपके साथ बताई कि एडमिट कार्ड की समस्या, एडमिट कार्ड लेने में प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद क्या होता है, जब आप जाएंगे प्रैक्टिकल देने के लिए, प्रैक्टिकल जब होगा तो प्रैक्टिकल के टाइम पे कॉलेज वाले 4,000, 5,000, 6,000 जैसा जिसको ठीक लगे कॉलेज वाले पैसे की उगाही करते हैं, हर स्टूडेंट से पैसा मांगते हैं, 5,000 दो, 10,000 दो, 6,000 दो, तभी हम आपके मार्क्स लगाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो कॉलेज के हाथ में ही होती है मार्क्स लगाने के लिए। तो आपने अगर पहले से ही बात तय नहीं की है तो यहाँ पर भी आपको पैसा देना पड़ेगा। और यहाँ भी देखा गया है कि कॉलेज वाले फाइलें देने के नाम पर भी पैसा लेते हैं, फाइल देने के नाम पर 2,500-3,000 रुपए आपसे वसूल कर लेते हैं। तो इन बातों को भी बहुत ध्यान से आप समझ लें। अगर इन बातों को भी आप समझ लेंगे तो मेरा मानना है एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाएगा और सुकून से आप कंप्लीट कर पाएंगे अपने इस कोर्स को। अब बात करते हैं पांचवी समस्या। पांचवी समस्या दोस्तों ये होता है कि जब आप ये कोर्स अपना कर रहे हैं, नॉन अटेंडिंग कर रहे हैं, तो आपको टीचिंग प्रैक्टिस बुलाएंगे, मैंने आपको बता दिया। फीस आपको देनी है सिर्फ कॉलेज के अकाउंट में, मैंने आपको ये भी आपको बता दिया। प्रैक्टिकल में पैसे की एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फीस जो भी तय होती है उसका एग्रीमेंट जरूर कर लें। अब बाद में समस्या होती है जब अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, 2 साल कंप्लीट हो गया, कॉलेज से आप नो ड्यूज मांग लें। नो ड्यूज मांग लेंगे, कोई हर्ज नहीं है इसमें नो ड्यूज रखने की, मेरी कोई भी फीस बकाया नहीं है। क्योंकि अब ये खेल खेलते हैं जब डिग्रियां आती हैं, डिग्रियां कहाँ आती है, सीधा कॉलेज के पास आती है। अब आप डिग्री लेने जाते हो तो भी ये 3,000-5,000 रुपए एक एक स्टूडेंट से डिग्रियां देने के नाम पर वसूल कर लेते हैं, या फिर आपका कोई ना कोई ड्यूज दिखा देंगे कि देखो आपका 13,000 रुपए का ड्यूज है, देखो 15,000 का ड्यूज है, आपकी फीस नहीं आई थी, आपने फीस तो दी थी बट वो फीस रह गई थी, तो ऐसे में फीस फिर से लेंगे। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें, चीजों को मेल पर कोऑर्डिनेट कर लें, व्हाट्सएप पर कोऑर्डिनेट कर लें, हो सके तो नो ड्यूज मांग लें, आपके लिए बेहतर होगा। वरना आपके साथ समस्या ये कॉलेज आपके साथ फ्यूचर में करेंगे। और किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, एडमिशन के लिए देख रहा है, अच्छे कॉलेज जानना चाहता है, या कोई भी चीज आप पूछना चाहते हो, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोज आपके लिए आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने।